नमस्कार दोस्तों, नेचर सीक्रेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्दियों की गुनगुनी धूप आई हुई है, इसी धूप के अंदर आपको एक बारहमासी सदाबहार पौधे के साथ मिलवाने जा रही हूँ। ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। दो टाइप के अंदर ये पाया जाता है। एक तो ये वेरिएटेड है, यहाँ पर इसकी पत्तियों के किनारे आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, और दूसरा बिल्कुल ग्रीन लस पाया जाता है। स्पाइडर प्लांट इसको क्यों कहा जाता है? इसके नीचे ये देखिए गुच्छों के रूप में ये लटकती हुई शाखाएं हैं, इनको रनर कहा जाता है। ये इसके बेबीज भी कहे जाते हैं। इसके जो बर्ड्स आते हैं वो देखिए आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये बर्ड्स 3-4 दिन तक वाइट कलर में खिले रहते हैं। जब ये 3-4 दिन के बाद पक जाते हैं तो ये बीज का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बीज भी नज़र आ रहे हैं, और जब ये बीज पक जाते हैं तो ये खुल जाते हैं, राई के आकार के नज़र आते हैं। यह बहुत ही शानदार पौधा है। आप इसको किस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं? पहला तो आप इसकी ये जड़ें नज़र आ रही है आपको, इन जड़ों को आप यहाँ से कट करके किसी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो अभी आपको बीज दिखाए थे, इन बीजों को भी आप कहीं पर भी प्रोपेगेट कर सकते हो। यह सजावटी इंडोर प्लांट माना जाता है। मैंने अपने घर के अंदर इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट तैयार कर रखे हैं, और अपने दोस्तों को मैं इसी तरह के प्लांट गिफ्ट में देती रहती हूँ। आज तक मैं 100 से ज़्यादा प्लांट है इसी तरह के पॉट में लगा के उनको गिफ्ट कर चुकी हूँ। ये प्लांट है, ऑक्सीजन से भरपूर है, घर के लिविंग रूम में आप इसको लगा सकते हो। इसकी खूबी जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये जितने बड़े पॉट में लगाओगे उतने ही बड़े आकार यह प्राप्त कर लेगा। जैसा कि इस पॉट में नज़र आ रहा है, मैंने बहुत बड़े पॉट के अंदर इसको लगाया हुआ है, और ये चारों तरफ से बहुत ही घेरा डाले हुए है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। 3-4 दिन में आप एक बार इसको पानी पिला सकते हैं, खाद की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और सनलाइट, थोड़ी बहुत सनलाइट आप इसको दिखा सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये प्लांट ज़रूर बताइएगा। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए